हेलो चिल्ड्रेन हाउ आर यू क्लास थ्री मैथ्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रैक्शन व्हाट इज़ फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन फर्स्ट इज़ फ्रैक्शन इक्वल पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शन किसी भी होल का इक्वल पार्ट क्या कहलाता है फ्रैक्शन जैसे वन बाई टू टू बाई थ्री फाइव बाई कुछ भी किसी भी होल चीज़ का इक्वल पार्ट करना है अनइक्वल नहीं होना चाहिए इक्वल पार्ट फ्रैक्शन कहलाता है अ फ्रैक्शन हैज़ टू पार्ट्स फर्स्ट इज़ न्यूमिरेटर एंड सेकेंड इज डिनोमिनेटर फर्स्ट न्यूमिरेटर अपर पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन आर कॉल्ड न्यूमिनेटर फ्रैक्शन का जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूमिनेटर बोलते हैं सेकेंड इज़ डिनोमिनेटर लोअर पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन आर कॉल्ड डिनोमिनेटर

जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं उनको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं एग्जाम्पल वन बाई टू टू बाई थ्री फोर बाई सेवन एट बाई नाइन यहाँ देखेंगे जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सब डिफरेंट हैं थर्ड इज़ यूनिट फ्रैक्शन द फ्रैक्शन विच हैज़ वन एज न्यूमिनेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसमें न्यूमिनेटर हमेशा वन होता है उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं जैसे एग्जाम्पल वन बाई टू वन बाई फाइव वन बाई सिक्स वन बाई नाइन एक्सेट्रा इक्वी वैलेंट फ्रैक्शन टू और मोर फ्रैक्शन दैट हैव सेम वैल्यू आर इक्वी वैलेंट फ्रैक्शन दो या दो से ज़्यादा जिसके वैल्यू सेम होते हैं उसको हम लोग इक्वी वैलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं जैसे फोर बाई फाइव एट बाई टेन बाई फिफ्टीन सबका जो वैल्यू है वो सेम है नेक्स्ट इज हाफ टू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड हाफ ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड वन बाई वन हाफ टू इक्वल पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं हाफ यहाँ देखेंगे पिक्चर यहाँ टू इक्वल पार्ट्स है जिसको हम लोग हाफ बोलते हैं थर्ड्स थ्री इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड थर्ड्स ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड वन थर्ड हर एक पार्ट को हम लोग वन थर्ड बोलेंगे यहाँ पिक्चर में आपको डिनोट करके बताया है क्वार्टर फोर इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड फोर्थ ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड वन फोर्थ वन फोर्थ इज ऑल्सो कोल्ड वन क्वार्टर वन फोर्थ को हम लोग वन क्वार्टर भी बोलते हैं यहाँ आपको पिक्चर में दिखाया है